दरअसल उज्जैन में आज सुबह महाकाल मंदिर के बाहर कुछ अनोखा ही वाक्य हुआ। महावत के साथ जब हथनी विजयलक्ष्मी महाकाल क्षेत्र में पहुंची, तो महावत के बिना मार्गदर्शन के वह मंदिर के बाहर खड़ी हो गई। हथनी अचानक अपनी सूंड उठाकर महाकाल के शिखर के समक्ष चिंघाड़ने लगी। हथनी के एकदम ऐसे व्यवहार को महावत भी नहीं समझ पाया, लेकिन जैसे ही उसे केरल की हथनी की निर्मम हत्या का मामला याद आया, तो वह समझ गया कि विजयलक्ष्मी भगवान महाकाल से दोषियों को सजा देने की प्रार्थना कर रही है। इस घटना की जानकारी लगने के बाद उज्जैन के संतों ने भी हत्या करने वालों के प्रति आक्रोश देखने को मिला। उज्जैन के संत डॉक्टर परमहंस अवधेशपुरी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि केरल में जिस प्रकार हथनी की हत्या हुई है, उन दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको फांसी की सजा मिले। वही महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने भी कड़े शब्दों में इस हत्या के पीछे जो भी दोषी हैं, उनको जल्द से जल्द सजा मिले और उन्होंने भी यही मांग की है कि उनको फांसी की सजा दी जाए। प्रार्थना करी है यहाँ पर, क्या विरोध जता रहे हैं? ये जो बाबा महाकाल भगवान के दरबार में मैंने प्रार्थना की है कि जो केरल में जो विस्फोटक लगा करके जो हाथी है, जो गजानंद की मूर्ति है, उनके ऊपर जो अत्याचार किया गया है, उसके लिए भगवान उनको सद्बुद्धि दे और दंड देवे भोलेनाथ। क्या नाम आपका? श्री महाकाल। क्या नाम आपका? बबलू महाराज। जय हो। जय महाकाल। मैं महामंडलेश्वर आचार्य शेखर, महाकाल उज्जैन से। अभी कुछ दिन पहले ऐसा जानकारी में लगा मीडिया के माध्यम से कि केरल में गर्भवती हथिनी की हत्या कर दी गई, अनानास का एक फल जिसमें पटाखे रखकर उसकी हत्या कर दी गई, और ये लगातार पूरे देश में चल रहा है, हाथियों की हत्या कर रहे हैं, जीवों की हत्या चल रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जीव की हत्या नहीं होना चाहिए, और जो हत्या जिन्होंने की है उनको फांसी की सजा होना चाहिए, उनको जीवों के प्रति दया रखना चाहिए। हम लोगों का यही धर्म है, मनुष्य है, हमारा हृदय बड़ा होना चाहिए। गणेश जी को हम पूजा करते हैं और गणेश जी भगवान हाथी को मानते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, उनकी चतुर्थी के दिन पूजा होती है। महाकाल की जब सवारी निकलती है तो सर्वप्रथम हथिनी निकलती है, हमारे यहाँ उनके दर्शन करते हैं, उन पर महाकाल विराजमान होते हैं, और सनातन परंपरा में हाथियों की पूजा मानी गई है। और ऐसे हाथियों की, हथिनियों की अगर बच्चों की हत्या होती है तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। और विप्रधेन असुर संत हित लीन मनोज अवतार, साधुओं की हत्या हो रही है, जीवों की हत्या हो रही है, यह हत्या बंद होना चाहिए। लगातार साधुओं की और हाथियों की हत्या, शेरों की हत्या की जा रही है, ये बंद होना चाहिए और कठोर से कठोर दंड इन लोगों को मिलना चाहिए। जय महाकाल। हथनी की हत्या तो एक सामान्य बात होती है, उसका हत्या का जो तरीका है वो अपने आप में बहुत गलत है और मानव की सोच प्रदर्शित करती है वो घटना की, मानव की सोच आखिर कहाँ तक पहुँच चुकी है। केरल जैसे शिक्षित प्रांत में इस प्रकार हत्या हो जाना ये बहुत दुखद है। जब गज और ग्राह का युद्ध हुआ तो भगवान ने गज की रक्षा कर ली थी, लेकिन ये नर रूपी नर राक्षस से भगवान कैसे रक्षा करें, उसकी भगवान भी रक्षा नहीं कर पाए। और जिसने सुनाया वो बहुत दुखित है, वहाँ की सरकार को बिल्कुल ठोस कदम उठाने चाहिए। केंद्र सरकार को भी वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए, जो मूक प्राणी हैं, जो बेचारे मुँह से नहीं कुछ बोल सकते, उनको क्या बम लगा करके मार दोगे? तो बहुत गलत है, उसका सर्वनाश होगा, सत्यानाश होगा जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है। और सरकार को इस पर ठोस रणनीति बनानी चाहिए कि हम पर्यावरण की रक्षा कर सकें और वन्य जीवों की रक्षा कर सकें। हमारे भी एक तरफ पूरे देश में, मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ कि चाहे भूकंप हुआ, चाहे कोरोना हुआ, चाहे टिड्डी आ रही है, या ये जितने भी, ये भी आप देख रहे हैं, ये चक्रवात है, तूफान है, ये जो भी कुछ है, ये सब मानव की ही देन है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि जब मानव इस प्रकार से अमानवीय व्यवहार करेगा तो निश्चित रूप से प्रकृति जो है रुष्ट होगी, और प्रकृति के रुष्ट होने पर ये जो जो चीज़ें मानवता के सामने संकट के रूप में आ रही हैं यही आती हैं। तो इसलिए कम से कम वन्य जीवों पर तो रक्षा वो करें, रहम करें, मानव को चाहिए, और केंद्र सरकार को ठोस कानून इसके लिए बनाना चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं।